आज एक नई जिंदगी में हम देखेंगे एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर की सफलता और प्रेरणा से भरी कहानी। देखेंगे किस तरह एक व्यक्ति को मिला सच्चाई का मार्ग। CBN फाउंडेशन किस तरह मासूम बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहा है। करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं कि कोई है जो आपको जीवन की सच्चाई से परिचित करा सकता है। प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रेरणा से भरी पर्सनैलिटी से। इनका नाम है शिराज हेनरी। ये एक कामयाब फैशन फोटोग्राफर भी हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। परमेश्वर से बल और सामर्थ्य प्राप्त करके ये आगे बढ़ते गए। आइए मिलते हैं शिराज से और पाते हैं इनके जीवन से प्रेरणा। ये कहानी आपके लिए लेकर आई है हमारी प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस। जो मेरी पहली मूवी थी 2003 में, वो थी कगार, जिसमें मैंने सिर्फ एज ए फोटोग्राफर काम किया था और पोस्टर्स वगैरह बनाए थे। वो एक्चुअली एक प्रकार से आप कह सकते हैं मेरा होम प्रोडक्शन था, क्योंकि वो मेरे ब्रदर की फिल्म थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप फोटोग्राफी वगैरह ये सब इतना अच्छा करते हैं, तो व्हाई डोंट यू कम टू मुंबई। दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। मेरे डैड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ही वॉज़ ए वेरी गुड पेंटर, और बचपन से मुझे उन्होंने पेंटिंग वगैरह काफ़ी सिखाई, और मूवीज़ और यू कैन से कैमराज वगैरह मुझे काफ़ी उन्होंने गिफ्ट दिए। इस तरीके से मैं इस आर्ट से, तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये सब कैसे होता है, कैसे काम होता है, पोस्टर्स कैसे बनते हैं, फोटोग्राफी कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे होती है, आई वॉज नील वैन आई केम टू मुंबई। लेकिन यहाँ आके सबसे पहले मैं कुछ यहाँ के जो 3-4 बड़े फोटोग्राफर्स थे उनके पास मैं गया, एंड आई सॉ कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि 3 से 6 महीने मैंने सब कुछ सीख लिया। तब मुझे काम आने लगा एड्स का, ज्वेलरी एड्स का, फैशन जो फोटोग्राफी है उसका काम आने लगा। तो मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ काम किया, और देन आई बिकेम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। तो 2010 से मैंने फिर डायरेक्शन फील्ड में जो मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसका मैं डायरेक्शन शुरू किया। बचपन से ये सिखाया गया, प्रे करिए, अच्छा काम करिए, लव दाई नेबर, एवरीथिंग मुझे सिखाया गया बचपन से। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, तो आपको जब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है, मुझे और फेथ आते गया गॉड के ऊपर। और मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता अगर मुझे गॉड सपोर्ट नहीं करता तो मैं ये सब काम कर पाता, आपके सामने बैठ पाता। अगर मैं अभी हॉस्पिटल जाऊँगा, अगर मेरी वेंस पकड़ के देखेंगे तो बोलेंगे इसको एडमिट करो। So this is my willpower, and this willpower has been given by Jesus Christ. सबसे पहली फिल्म थी मेरी बियॉन्ड द थर्ड काइंड, ये एक ट्रांसजेंडर के ऊपर बनी थी। उसके बाद मैंने किया ब्लैक मैजिक के ऊपर, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आई लव डूइंग रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स। जैसे बियॉन्ड द थर्ड काइंड में मैंने यही बताया कि ये जो आप ऑपरेशन वगैरह करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड, गॉड ने हमें ऐसा बनाया जो हम जैसे भी हैं, तो अब उसके अगेंस्ट मत जाइए। वो पिक्चर में मैंने वो दिखाया। तो इस टाइप की पिक्चरें बनाने में मज़ा आता है। लोग 2 घंटे पिक्चर, कोई गाना नहीं, कोई डांस नहीं, लेकिन आखिरी तक बैठ के देख रहा है तो अच्छा लगता है। और मैं आज की डेट में ये बोलता हूँ कि आई सरेंडर टू यू, और जो होगा, जो मेरे मुझे मालूम अच्छा ही होगा। तो दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग फेथ टूवर्ड्स गॉड, इफ़ यू डोंट सरेंडर यू वोंट सक्सीड, दिस इज माई बिलीफ। अभी आप शिराज हेनरी से मिले और आपने देखा कि किस तरह शिराज ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें ऊंचाई पर उठाया। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि शिराज ने ये माना कि परमेश्वर ही उसके जीवन में सत्य मार्ग और जीवन है। परमेश्वर सत्य है
और कई ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं जानते, और जो लोग ये नहीं जानते उनका जीवन अंधकार में है। शंकर बैनर्जी सच की खोज में थे, इस कारण बहुत सारी किताबें वो पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं था कि सच क्या है। क्या शंकर सच को जान पाएंगे? आइए उनकी कहानी को देखते हैं, जो आपके लिए हमारे प्रोड्यूसर ग्लेन लेकर आए हैं। आइए देखें। कोलकाता के शंकर बैनर्जी के लिए किताबें पढ़ना एक शौक था। ये आदत उन्हें बचपन से ही पड़ गई थी। मेरे पिता मेरे लिए कुछ कहानी की किताबें लाए और बोले, ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें अच्छी लगेगी। उस समय से मैं ये किताबें पढ़ने लगा। इस प्रकार मुझे किताब पढ़ने की लत से लग गई थी, जो मुझे अब तक लगी हुई है, और ये आदत मेरे लिए हमेशा अच्छी ही रही है। जब मैं बाइबल पढ़ता तो लगता जैसे कोई चुंबक मुझे खींच रहा है, तो मैं बाइबल के बिना रह नहीं पाता था। 5 महीने के अंदर शंकर ने पूरी बाइबल पढ़ डाली। हालांकि वे दूसरी किताबों जैसी ही लगती थी, पर शंकर को इसमें कुछ अलग सा लगा। उसमें लिखा है, तुम जो बोझ से दबे हो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने सोचा मैं बोझ से दबा हूँ, क्योंकि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, तो ये वचन मेरे जीवन में एक अलग अर्थ रखता था, क्योंकि यीशु मुझसे कह रहा था जैसे एक बाप अपने बेटे से। पर एक दिन शाम को घर लौटने पर उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी को खाना पकाते हुए पाया। मैंने उससे पूछा, तुम क्या पका रही हो, क्यों पका रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उसने मुझे उत्तर दिया कि बाबा, क्या आपको नहीं पता कि माँ हर रविवार को भैया और दीदी के साथ चर्च जाती है। आज मैं नहीं गई तो माँ ने मुझे चावल पकाने को कहा है और वो जल्दी ही लौट आएंगे। शंकर को आरती पर बहुत गुस्सा आया। उनके लौटने पर वे उनसे नाराज थे। मैंने बाइबल भी दरवाजे के बाहर फेंक दी और उसी समय मेरी पत्नी ने घर में कदम रखा। आरती ने जो किया उससे शंकर चकित रह गए। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, आपको तो किताबें पढ़ना पसंद है, आपने ही मुझे बताया कि इस किताब में परमेश्वर के वचन हैं, और आपने ही फेंक दिया। आप मुझे सजा देते, मुझे डांटते, चोट पहुंचाते, इसका क्या दोष है? आपने यीशु के साथ ऐसा क्यों किया? शंकर को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। जब उन्होंने बाइबल को उठाया तो उन्होंने ये वचन पढ़ा। मैंने लिखा हुआ पाया, उठ प्रकाशमान हो, कि तेरी ज्योति आ गई है और प्रभु की महिमा तुझ पर ज्योतिर्मय हुई है। ये देखा तो मैं कुछ बोल ना पाया, मैं रो पड़ा और बाइबल को अपनी छाती से लगा लिया और प्रभु से कहा, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत गलत किया है। उस पर तो कहता है कि उठ तेरी ज्योति आ गई है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। ये पढ़कर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। घुटनों पर आकर शंकर ने प्रभु की ज्योति बनना स्वीकार किया। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तब से एक नए जोश से वो बाइबल पढ़ने लगे और प्रभु के वचन को गहराई से समझने की प्रार्थना करने लगे। ये किताब जो मेरे हाथ में है, ये वचन, इसने मुझे विश्वास योग्य बनाया, मेरी सहायता की। परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं, मैं लता हूँ, तुम मेरी शाखा हो, सिवा मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने आप को प्रकाशित करता है। कई तरीके हैं जो परमेश्वर लोगों के पास आता है और बताता है कि वो कौन है। पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जैसे मूसा से परमेश्वर ने एक ऑडिबल वॉइस में बात की। अलग अलग नबी आए और परमेश्वर के बारे में बताया। आज इस समय हम भी परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये बताते हैं,
कहते हैं एक बीज है जो परमेश्वर के वचन के समान है। किसान बीज को लेकर खेत में जाकर फेंकता है और कुछ बीज जो हैं वो रास्ते पे गिर जाते हैं, कुछ बीज हैं जो पत्थर के ऊपर गिर जाते हैं, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरते हैं और कुछ अच्छी भूमि पे गिरते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा हृदय इस जमीन के समान है। अगर हमारा हृदय कठोर है, पत्थर के समान है, तो बीज वहां पर गिरता है लेकिन फल नहीं लाता। अगर हमारा हृदय झाड़ियों के समान है तो जब वो बीज उगता है तो चिंताएं उसे दबा देती हैं, और अगर हमारा हृदय अच्छी भूमि के समान है तो ये बीज फल लाता है, उगता है, 60 गुना फल लाता है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर हमारा हृदय सही है तो परमेश्वर के वचन को हम स्वीकार कर सकते हैं और परमेश्वर को हम जान सकते हैं। गॉड रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू हिज वर्ड। और फिर यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, आइए इस वचन में देखें वो क्या कहते हैं। मरकुस 4:9, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह कह रहे हैं, लेट हिम हु हैज ईयर्स लेट हिम हियर। कह रहे हैं अगर हमारे आत्मिक कान खुले हैं तो हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर को हम जान सकते हैं। आप सच की खोज में हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए और देखिए कि परमेश्वर आपके हृदय से भी बात करेगा। लेकिन अपना हृदय अच्छी भूमि के समान रखिए और तब परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आप उसे जानेंगे। दोस्तों, इस समय मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपको मैं 3 ऑप्शन दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब हमें दीजिए। प्रश्न ये है कि हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके हम उसे जान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अच्छे काम को करके हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके और उस पर विश्वास करके। आप हमें बताइए सही उत्तर क्या है। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें ए, बी या सी, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और SMS करें 09910401010। सही जवाब देने वालों के नाम हमारी वेबसाइट www.cbn.in पे दिखाई जाएंगे, तो जल्दी अपना जवाब आज ही भेजिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन को पढ़ें क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर आपने भी शंकर बैनर्जी की तरह अपने जीवन में सत्य को एक्सपीरियंस किया है, आपने सत्य को जाना है और उसे ग्रहण किया है, तो आप अपनी गवाही हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे प्रोग्राम पर आकर हमारे दर्शकों को और भी प्रेरित करें। अब समय है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह CBN फाउंडेशन देश भर में जरूरतमंद बच्चों का जीवन और बेहतर बना रहा है। क्या आपने हमारे CBN फाउंडेशन का फेसबुक पेज देखा है? वहां पर आपको मिलेगा CBN फाउंडेशन के कार्यों को नजदीकी से जानने का मौका, बहुत सी प्रोत्साहित करने वाली कहानियां, मधुर गीत और कई प्रेरणादायक बातें। CBN फाउंडेशन पेज को आज ही जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। CBN फाउंडेशन ने देश भर में कई चाइल्ड केयर सेंटर्स स्थापित किए हैं। इन चाइल्ड केयर सेंटर्स के द्वारा हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे बच्चों को शिक्षा दें जो शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनके माता पिता घर में उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं कर पाते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इन बच्चों का जीवन और बेहतर बना सकें, उनके आने वाला कल और उज्ज्वल कर सकें। आइए देखते हैं हमारे इन्हीं सब कामों की एक झलक। अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए कुछ किया तो क्या किया। मुझे साक्षर किया, मुझे बल दिया, मुझे दिशा दी, मुझे हौसला दिया।
जिंदगी की तेज रफ्तार में कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, गिर के बिखर ना जाऊं। मुझे समेटा, मुझे संजोया, अपने सपनों को जीने का मौका दिया। मकसद कई हैं अपनाने को, पर क्या आपने इनका साथ देकर खुद को आशीषित किया? केवल 2500 रुपए की अनुदान राशि देकर CBN फाउंडेशन के सहभागी बनिए और पाइए मौका इन नन्ही जिंदगियों को बदलने का। अभी आपने देखा कि किस तरह चाइल्ड केयर सेंटर्स के द्वारा CBN फाउंडेशन अपने पार्टनर्स की मदद से कई बच्चों का जीवन और बेहतर बना रहा है। समीर जी, हमने देखा है कि कई बच्चे हैं जो आज भी हमारे देश में शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी की वजह से या किसी और आर्थिक परेशानी की वजह से, और इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है बिकॉज इन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा पा चुके हैं, बहुत सारे एडल्ट्स हैं जो ये शिक्षा उन तक ला सकते हैं, भले वो शायद स्कूल में ना हो, लेकिन जहाँ कहीं भी हम ज़रूरतमंद बच्चों को देख सकते हैं हम उन तक शिक्षा ज़रूर इम्पार्ट कर सकते हैं। इसलिए जो CBN फाउंडेशन छोटे छोटे कदम ले रहा है, उसी समान बहुत सारे लोग हैं जो कदम ले सकते हैं ताकि गरीब बच्चे तक हम शिक्षा ले जा सकें। जी बिल्कुल, हमारे इन्हीं कामों को देखकर आप हमें सराहते हैं और अपने अप्रिसिएशन भरे मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। हम आपका इन सब के लिए बहुत शुक्रिया करते हैं। आइए पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है राहुल सिंह ने। राहुल कहते हैं कि उन्हें एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम में जिस तरह से हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, ये देखकर उन्हें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी लोगों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद उस एनकरेजमेंट के लिए। दूसरा मैसेज आया है जय ग्रोवर का, और वो लिखते हैं कि एक नई जिंदगी कार्यक्रम उन्हें बहुत पसंद है। इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है और वो कहते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा उनकी जिंदगी में बहुत प्रभाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस अप्रिसिएशन के लिए। धन्यवाद आप सबका जो इस कार्यक्रम को लगातार देखते आए हैं और हमें इनकरेज करते आए हैं। थैंक यू। क्या आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं? अच्छी सेहत के लिए कुछ हेल्थ टिप्स पाना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं हमारा न्यूज़लेटर। इसे पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbn.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी हार्ड कॉपी पाने के लिए आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप भी हमारे साथ जुड़कर कई बच्चों के जीवन में उज्जवल भविष्य ला सकते हैं, उनके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे पार्टनर बनने के लिए आप हमें इसी समय इस पते पर संपर्क करें। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 122009। ऑनलाइन डोनेशंस www.cbn.in। दोस्तों, अब समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके प्रार्थना निवेदन को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। हे बच्चों, आपके लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर गिज़्मो के साथ चलते हैं एक रोमांचक सफर में, जहां पर नैतिक मूल्यों पर आधारित सुपरबुक की कहानियों को देखने और सीखने का एक और मौका पाइए इन DVDs के द्वारा। हे बच्चों, अगर आप सुपरबुक के DVD चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या दिए गए नंबर पर SMS करें। एप्स, गेम्स और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.superbook.tv। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ प्रार्थना निवेदन। आइए देखते हैं आज का पहला प्रार्थना निवेदन हमें किसने भेजा है। आज का पहला प्रार्थना निवेदन हमें भेजा है अमोल दास लकड़ा ने। वो चाहते हैं कि हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि घर में आशीष आए, सुख और शांति आए और हर एक प्रकार की बीमारी से उन्हें छुटकारा मिले।
आइए देखते हैं दूसरा मैसेज कहाँ से आया है। ये आया है शहीदा का, और शहीदा लिखती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान है, एक कमज़ोरी है उनमें, वो बहुत डर से भर जाती हैं और वो चाहती हैं कि हम प्रार्थना करें कि वो डर उनके अंदर से निकले और उनकी ज़िंदगी में आशीष आ जाए। शहीदा, हम आपके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप अपने हृदय से यीशु मसीह के पास आएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का भी जवाब देगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम मांगते हैं कि उसकी ज़िंदगी में प्रभु तेरी आशीष को वो चखेगा। हम मांगते हैं उसके घर में तू शांति लेकर आएगा। हर एक समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह तुझ में है, और हमारी प्रार्थना है कि वो देखेगा कि परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है। शाहिदा के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर, जो डर की भावनाओं से भर जाती है प्रभु, जो भयभीत हो जाती है, हम मांगते हैं कि डर उसके अंदर से तू निकाल देगा। तेरा वचन कहता है परफेक्ट लव कास्ट्स आउट फियर, कहता है कि प्रभु तेरे संपूर्ण प्रेम को जब वो जानेगी डर उसके अंदर से निकल जाएगा। हम मांगते हैं कि उसके हृदय में परमेश्वर तू प्रेम भर दे, जानेगी प्रभु कि यीशु मसीह है। हम मांगते हैं उन सब के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अलग अलग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हम मांगते हैं कि उनके अंदर तू प्रभु भरोसा डालेगा, विश्वास डालेगा कि वो तेरे पास आए और जाने कि परमेश्वर है। आ परमेश्वर, हल लेकर आ इनकी परेशानियों में। आ परमेश्वर, इन्हें हिम्मत दे कि वो हार नहीं मानेंगे। प्रभु इनके अंदर विश्वास डाल कि अपनी ज़िंदगी तेरे साथ ये जिएंगे। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों, परमेश्वर के करीब रहो और परमेश्वर में बढ़ो। आशा, हिम्मत, साहस सब परमेश्वर की ओर से आता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के करीब रहें और परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें परमेश्वर हमें सत्य के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। परमेश्वर का वचन हमें सत्य से परिचित करता है और हमें अपने जीवन के लिए बल और सामर्थ्य भी देता है। दोस्तों, प्रार्थना के विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। कई बार लोगों को लगता है प्रार्थना का मतलब कि मैं सिर्फ परमेश्वर से कुछ बोलूं, और एक बहुत लंबा शॉपिंग लिस्ट लेकर आते हैं, प्रभु हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये तो सिर्फ प्रार्थना का एक भाग है। प्रार्थना बातचीत है, यानी कि परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ बातें करना और परमेश्वर से सुनना भी। इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठें तो परमेश्वर के वचन को भी पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर बातें भी करता है जब हम उसके करीब आते हैं। तो प्रार्थना में बढ़ें, बातचीत करने में हम बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आप प्रार्थना में लगे रहें। आज के प्रोग्राम में हम शिराज हेनरी से मिले और हमने उनके जीवन से प्रेरणा पाई। हमने देखा किस तरह शंकर बैनर्जी सत्य की तलाश में थे, और जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो बाइबल में उन्हें सत्य और परमेश्वर दोनों मिले। हमने देखा किस तरह सीबीएन फाउंडेशन देश भर में चाइल्ड केयर सेंटर्स के द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षित करने में लगा हुआ है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये पेशकश बहुत पसंद आई और इससे आपको बहुत प्रेरणा भी मिली। दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को और जाने, उसकी आवाज़ को सुने, उसमें और मजबूत हो जाए। परमेश्वर के वचन में हमारे हर एक सवाल का जवाब है। कल शुक्रवार है और कल के दिन आपके आत्मिक सवालों का हम जवाब देते हैं, और कल हम एक खास विषय पर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, तो कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप इस मधुर संगीत को सुनें, इसका आनंद लें और इसके द्वारा भी परमेश्वर के करीब आएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। बिन तेरे बिना, बिन तेरे बिन, बिन
तेरे बिन तेरे